धनवान बनना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको 6 काम करना पड़ेगा। 6 चीजें अगर आपकी जिंदगी में आती है तो आप गरीब नहीं रह सकते। आप बोलो तो आज ही बता दूं ये 6 चीजें कौन कौन है, बताऊं? आज बता दो। ये 6 चीजें ध्यान से सुनना, चूकना नहीं है। नंबर 1, उत्थानम। उत्थान करने के लिए 6 चीजें, ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए। उत्थानम, संयमो दाक्षम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भविष्यतु। ये विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बताया है। नंबर 1, संयमो। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, उनके लिए फार्मूला है संयमो। संयम का अर्थ होता है नियंत्रण, नियंत्रण का अर्थ होता है कंट्रोल, कंट्रोल का अर्थ होता है क्या? कंट्रोल का अर्थ कंट्रोल, और क्या अर्थ? संयमो यानी जिनको अपने आप के ऊपर संयम है, नियंत्रण है, कंट्रोल है। आपने महिलाओं को भोजन बनाते हुए देखा होगा, तो भोजन एक तो भगोना होता है, पतीली होती है, और दूसरा वो कुकर होता है। तो भगोना में जब दाल पकाती हैं तो 1 घंटे में दाल पकती है, लेकिन कुकर में जब ये दाल पकाती है तो केवल 7 मिनट में दाल पक जाती है। अंतर क्या है? चूल्हा वही है, गैस वही है, बनाने वाली वही है, दाल वही, पानी वही, सब वही, केवल बर्तन बदला हुआ है। बर्तन में क्या फर्क है? भगोने में जब पकाती है तो स्टीम बाहर निकल रही है, लेकिन कुकर में जब दाल पकाती तो स्टीम बाहर नहीं निकलती, अंदर रहती है। स्टीम कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो दाल 7 मिनट में पक जाती है। याद रखना, जो 70 साल में तुम विकास करोगे, अगर तुम्हारा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो वो 7 साल में उतना विकास हो जाएगा जो 70 साल में करोगे। तो अपने ऊपर कंट्रोल क्या करोगे तुम? अपने ऊपर ये मन को कंट्रोल करना। कभी मन आपका ललचाता है कि दारू पी लूं, तुरंत कंट्रोल करो। कभी मन ललचाता जुआ खेल लो, ताश खेल लो, कंट्रोल करो। कभी मन में गुस्सा आती है तो मन होता गाली दे दूं, माँ बाप को गाली दे दूं, पड़ोसी को गाली दे दूं, तुरंत कंट्रोल करो। कभी मन में लालच आता चोरी कर लूं, चोरी से भी मन को कंट्रोल करो। सारी बुराइयों से जो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, उसका विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं। कभी मन में आलस्य आता है, आलस्य से भी अपने को कंट्रोल करो। ऐसा मन बोलता ना, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्या चलती है, कंट्रोल करो। संयमो दाक्षम। अब दूसरा लक्षण, दूसरी बात, दाक्षम बनो। दाक्षम क्या होता है? दाक्षम माने दक्ष होना, दक्ष माने पारंगत होना, पारंगत माने प्रवीण होना, प्रवीण होना मतलब कुशल होना, कुशल होना मतलब मर्मज्ञ होना, मर्मज्ञ होना मतलब स्पेशलिस्ट होना, स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ होना। अरे यहाँ पर रायवाची सिखाने के लिए थोड़े बैठा हूँ, एक बात बता दूँ, बात खत्म हो। हाँ, वो कोई हिंदी थोड़े पढ़ा रहा है, बस इतना। दक्ष बनो यानी कुशल बनो, तुम्हें दक्षता हासिल होनी चाहिए। जैसे मैं प्रवचन करता हूं, तो प्रवचन करने में यदि हमको दक्षता हासिल है, कुशलता हासिल है, तभी तो हमको लोग बुलाएंगे, नहीं तो कौन बुलाएगा? हम बोलेंगे थोड़ा थोड़ा प्रवचन आता है, तो थोड़ा थोड़ा वाले कौन काम? थोड़ा थोड़ा तो सभी को आता है।
पूर्णता होनी चाहिए। मुकेश अंबानी का जो ड्राइवर है उसका वेतन 2.25 लाख रुपये महीने है, यहां पर तो 2.25 लाख में तो कम से कम 25 ड्राइवर मिल जाएंगे, लेकिन वे ड्राइवर किस मॉडल के होंगे? मुकेश अंबानी का जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है मुकेश अंबानी को डर नहीं लगता, गाड़ी कहीं लड़ नहीं सकती। और मुकेश अंबानी का ड्राइवरी के साथ साथ वो ड्राइवर मैनेजमेंट भी करता है, सारी सेटिंग कर देता है। और ये ऐसे ऐसे ड्राइवर जब ब्रेक मारते हैं तो सवारी आगे गिर जाती है, और गियर बदलते हैं, स्पीड पकड़ते हैं, एक्सीलेटर दबाते हैं तो सवारियां सब पीछे लुढ़क जाती है। और ड्राइवर से कहते कैसे चला रहे हो, तो बोलता तो खुद चला लो, मैं नहीं चलाता। ड्राइवर की क्वालिटी गिर गई। और जिस व्यक्ति में क्वालिटी नहीं है उसकी दुनिया के अंदर कोई डिमांड नहीं है। जो काम तुम करते हो वही काम बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए अपनी क्वालिटी में निखार लाइए। अभी पटना में मेरा कार्यक्रम था, ठाकुर राम अनेक सिंह कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, लल्लन कुमार पुजारी भी व्यवस्थापक थे, साईं बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिर की ओर से कार्यक्रम था पटना में पाटलिपुत्र में। तो वे मेरे लिए पराठा और सब्जी बना कर लाए, तो मैंने कहा सब्जी बहुत अच्छी है, क्या बात। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति जी ने बनाया है, तो हमने कहा तुम? बोले मेरे से भी अच्छा ये बना लेते हैं, इसलिए महीने में 25 दिन तो यही बना कर खिलाते हैं। और मुझको बनाना भी इन्होंने ही सिखाया है, मुझे उतना अच्छा बनाना नहीं आता था पर इन्होंने सब सिखा दिया मुझको, क्या बात है। क्वालिटी, आपके चलने में भी क्वालिटी होनी चाहिए, बात करने में क्वालिटी होनी चाहिए, बैठने में क्वालिटी, खड़े होने में क्वालिटी, हंसने में भी क्वालिटी, मुस्कराने में क्वालिटी, कपड़ा धोने में क्वालिटी, फैलाने में क्वालिटी, सुखाने में क्वालिटी, रखने में क्वालिटी। और जितनी ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी होगी याद रखना उतनी ज़्यादा तुम्हारी कीमत बढ़ती चली जाएगी। जिसमें बहुत क्वालिटी होती है वो व्यक्ति बहुत कीमती हो जाता है। सासू को भी अपनी क्वालिटी में विकास करना चाहिए, बहुओं में ही क्वालिटी होना चाहिए, केवल चेहरे में क्वालिटी नहीं। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष केवल अपने चेहरे को सुंदर बनाते हैं बस, बाकी उनकी पीठ में गोबर लगा है कोई मतलब, चेहरा सजाते संवारते रहते, केवल चेहरे से काम नहीं चलेगा। गले में सुंदर हार है और गले की आवाज ऐसी कर्कशा आवाज है, गले की शोभा केवल सोने के हार से नहीं है, गले की शोभा तुम्हारी मधुर वाणी से है। ऐसी वाणी बोलो कि आपके घर के लोगों की थकान मिट जाए और उनके सूखे हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाए। राजस्थान में बहुत से पुरुष लोग भी चैन पहनते हैं, और इतनी मोटी चैन, 250 ग्राम की चैन, 400 ग्राम की चैन। तो मैंने कहा ये 400 ग्राम की चैन? अरे बोले मेरी वाइफ 100 ग्राम की पहने थी। मैंने कहा अरे तू क्या पहनेगी, मैं ऐसी चैन पहनूंगा तेरे पीछे छोड़ दूंगा। 400 ग्राम की चैन, सोने चांदी की चैन पहनना बुरा नहीं है, पहन सकते हो, लेकिन याद रखना ये सोने चांदी की चैन तुम्हारी जिंदगी में चैन नहीं ला सकती है। जब आपकी वाणी सुधर जाएगी, स्वभाव सुधर जाएगा और मधुरता आ जाएगी तो आपकी जिंदगी में चैन आ जाएगी, जो कि सोने की चैन से भी चैन नहीं मिलती है, वो आपके सुधार से चैन आएगी।
इसलिए अपने घरों में सोने चांदी के जेवरों के लिए विवाद मत करो। सोने के गहनों को बेच करके लोहे की कार ले आइए और उसमें बैठ कर चलिए। सोने चांदी को तुम लाद कर चलोगी और लोहे की कार तुमको लाद कर चलेगी, फायदा है। और नारी का सबसे बड़ा आभूषण पति की प्रसन्नता है और पुरुष की सबसे बड़ी महिमा पत्नी को संतुष्ट रखना, खुश रखना। याद रखना, जितने लोग तुम्हारे आश्रय में रहते हैं उनकी व्यवस्था बिगड़ने न पाए। दाक्षम कुशल बनो, मर्मज्ञ बनो, अप्रमादो। तीसरा लक्षण अप्रमादो, जिनके पास में बिल्कुल लापरवाही नहीं है, तत्काल काम करने की आदत है, वे लोग कभी गरीब नहीं बनते हैं। जो टाल मटोल नहीं करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हो जाएगा, देख लिया जाएगा, ऐसी भाषा नहीं बोलते हैं, जो तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे लोगों के घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। इसलिए आलस्य को दूर करिए। अप्रमादो, धृति अस्मृति। और कहते हैं जिनके पास में धैर्य, बहुत धैर्य है, कभी हिम्मत नहीं टूटती है, साहस कम नहीं होता है, सब कुछ खोने के बाद जिनका धैर्य हमेशा वैसा का वैसा रहता है, याद रखना महाराणा प्रताप का चित्तौड़ का किला जब मुगलों ने कब्जा कर लिया, जंगल में जाकर के घास की रोटियां बनाकर खा रहे थे महाराणा प्रताप, लेकिन उनका धैर्य और साहस, किला तो छीन लिया पर धैर्य और साहस कोई छीन नहीं पाया। पुनः जंगल में सेना तैयार करके अपने चित्तौड़ के किले को वापस लेते हैं, अपने राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं और साथ साथ में मुगलों को खदेड़ कर बाहर कर देते हैं। याद रखना, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा साहस, तुम्हारी हिम्मत खोया हुआ सब कुछ वापस लाने का काम करता है, इसलिए कभी धैर्य को टूटने मत देना। और धैर्य की परीक्षा कब होती है? जब तुम विपत्ति में होते। सामान्य परिस्थिति में तो सभी धैर्यवान दिख रहे हैं, सभी वीर है, सभी साहसी, लेकिन आपत्ति काल में जब तुम्हारा धैर्य टूटने ना पाए तब समझ लो तुम्हारे पास धीरज है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी पर धीरज धर्म इन चार चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जब पति किसी आपत्ति में फंसा हो तब नारी की परीक्षा होती है। जब तुम्हारे पास में धन भी ना हो, कोई बड़ा पद भी ना हो,
शरीर में बीमारी भी आ गई हो, दुश्मनों की संख्या भी बढ़ गई हो, परिवार के लोग भी साथ छोड़ चुके हों, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया हो, ऐसी परिस्थिति में तुम्हारी पत्नी की परीक्षा होती है। ऐसी कंडीशन में जो नारी अपने पति का साथ देती है वो नारी केवल नारी नहीं है, वो नारी नारायणी है। वो नारी नारायणी है, वो देवी स्वरूप है। शंकर भगवान की एक कथा है। शंकर भगवान एक बार पार्वती के साथ में बैठे बात कर रहे थे। शंकर भगवान हमेशा पार्वती को देवी कहते थे और पार्वती हमेशा अपने पति को भगवान कहती थी। पार्वती जी बड़ी सभ्य महिला थी। शिव जी चर्चा कर रहे थे पार्वती जी, पूछती है कि ये आकाश में जो बहुत भीड़ जा रही है, विमानों से लोग उड़ के जा रहे हैं, रोडों पर भीड़ बहुत है, ये सब आज कहाँ जा रहे हैं, इतनी भीड़ पहली बार मैंने देखा। तो शिव जी ने कहा ये शिव जी के मंदिर में शंकर भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले इतने भक्त लोग हैं आपके? बोले हाँ हमारे भक्त हैं। तो पार्वती जी ने कहा भगवान तो आप यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ मंदिर में चल के दर्शन दो। शिव जी ने कहा नहीं पार्वती देवी मैं यही रहूँगा, ये सब मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके चले आएंगे। नहीं 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 इतनी श्रद्धा सभी की है तो आप वहाँ चल के दर्शन दो। तो शिव जी ने कहा ये सब भक्तों की भीड़ नहीं है, इसमें सब मिक्सर लोग हैं, मिक्स लोग हैं, चलो तुम नहीं मानती तो मैं चल देता। शिव जी गए और शिव जी ने अपना रूप बदल लिया, कोढ़ी का रूप बनाकर बैठ गए। पार्वती जी अपना रूप बदल करके पंखा डुला रही है, शिव जी बैठे हैं। एक नवयुवकों की मंडली आती है, पार्वती जी से पूछते हैं नवयुवक ये तुम्हारे कौन है? पार्वती जी ने कहा ये हमारे पति देव हैं। बोले ये तो कोढ़ी हो गए हैं। हाँ ये कोढ़ी हो गए हैं लेकिन अच्छे हो जाएंगे, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। अच्छा अरे इस कोढ़ी के चक्कर में तुम क्यों पड़ी हो, तुम हमारे साथ चलो आराम से रहना। तो शिव जी मुस्कराए बोले पार्वती ये भी शिव के भक्त आए हैं, तुम बच के रहना नहीं तुमको भी ले जाएंगे। ये भगत है ठगत है क्या है, इस सत्संग की भीड़ में भी कोई कोई चोर भी आते हैं, किसी महिला की चैन खींच लेते हैं, कोई कोई चुट्टी महिला भी आती है, वो महिला में ही बैठती है, महिला की चैन ले जाती है। पर सत्संग में और मंदिर में जो चोरी करता है ना उसको 7 जन्म तक मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, पशु पक्षी की योनि में भटकना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सत्संग में जाओ मंदिर में जाओ, वहां दान करना चाहिए, वहां चोरी नहीं करना चाहिए, वहां तो अपने पाप धोना चाहिए, वहां नया पाप नहीं करना चाहिए। तो पार्वती ने कहा तुम जाओ हम अपने पति की सेवा करें। थोड़ी देर बाद एक और नवयुवकों का ग्रुप आया, बोले अरे माताजी ये तुम्हारे कौन है, पति है? ये तो कोढ़ी हो गए। बोले हाँ कोढ़ी हो गए, तो इनके साथ क्यों हो तुम, चलो तुम्हारा दूसरी जगह विवाह करा देंगे।
हमारे साथ चलो। शिव जी ने कहा कि शिव जी बोले कि पार्वती जी शांत रहना, परिचय मत देना, देखते रहो क्या क्या हो रहा, तुम्हारी भी परीक्षा हो जाएगी। पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने पति को छोड़कर किसी के साथ नहीं जाऊंगी। पति व्रत, सभी व्रत में सबसे बड़ा व्रत पति व्रत और एक पत्नी व्रत है। आप कोई व्रत रहो या न रहो, लेकिन सभी व्रतों का राजा है। साधु के लिए ब्रह्मचर्य व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है और गृहस्थ के लिए एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत ये सबसे बड़ा व्रत है। इसलिए याद रखना, ये व्रत गृहस्थ के लिए तपश्चर्या है, इस व्रत को पूरा करो। तो दूसरा ग्रुप भी चला गया, तीसरा एक ग्रुप आया, बूढ़ों का ग्रुप था। देखा कि एक सुंदर नारी एक कुष्ठ रोगी के ऊपर पंखा डुला रही है। पूछा, आप कौन हो देवी और ये कौन है तुम्हारे रिश्ते में जिन पर तुम पंखा डुला रही हो? ये मेरे पति देव है। अच्छा, आपका शरीर इतना सुंदर है, स्वर्ण जैसी काया, और इनका शरीर ये कोढ़ी, इनके साथ में तुम क्यों हो? कोई तुम्हें दूसरा अच्छा पति नहीं मिला? पार्वती ने कहा, इनसे अच्छा और कोई पति नहीं। तो एक बूढ़े ने थोड़ी गुड़ निकाली और दिया और 20 रुपये दिए कि ये तुम्हारे कोमल अंगुलियों की सेवा से अच्छे हो जाएंगे, ये दवा से अच्छे नहीं होंगे, ये तुम्हारी कोमल सेवा से अच्छे होंगे, ये थोड़ी गुड़ ये भक्त लाया है, तुम भी खा लेना, इनको खिला देना और 20 रुपये दे रहा हूँ, कुछ फल खरीद कर इनको खिला देना, ये इनकी सेवा से ही तुम्हें भगवान का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। ये सुन करके शिव जी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया, पार्वती जी ने भी वास्तविक रूप प्रकट किया। तो उस बूढ़े ने जिसने गुड़ दिया था 20 रुपये दिए थे, देख करके खुश हो गया, बोले आप तो शिव जी हैं, आप पार्वती जी हैं। तो उन्होंने कहा, हम यहाँ भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए हम कोढ़ी बने थे, हम कोढ़ी नहीं हैं, हम शिव भगवान हैं। हे भगवान, आपको कौन पहचान पाता है? वास्तव में कहते हैं कि जिस दिन भगवान नहीं मिलता है उस दिन भोजन नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। भगवान रोज मिलता है, भोजन भी रोज मिलता है, लेकिन भगवान को तुम पहचान नहीं पाते हो। और जिस दिन भगवान को पहचान लेते हो उसी दिन तुम सुखी और धन्य हो जाते हो। आपका पति कितना कमजोर हो जाए उसका साथ मत छोड़ना। आपकी पत्नी कितना बीमार हो जाए उसका साथ मत छोड़ना। माँ बाप कितने कमजोर हो जाए, यदि तुम उनके बेटे हो बहू हो, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करना। उनकी सेवा से तुमको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और उनकी सेवा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का कभी अपमान मत कीजिए। और निवेदन करूंगा, छोटे छोटे बच्चों में कृष्ण भगवान का दर्शन कीजिए। यही बच्चे एक दिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे और यही बच्चे एक दिन हम जैसे संत बन करके पूरी दुनिया को ज्ञान भी बांटेंगे।
ज्ञान भी बढ़े। आज एक पति पत्नी आए हमारे पास, स्कूल में निवास है, प्रणाम किया, कुछ दान दिया, फल दिया और बोले ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा पुत्र आप जैसा संत बने। तो मैंने कहा बिल्कुल एव मस्त ऐसा ही होगा, पर हमेशा गुरु का ध्यान रखना, गुरु के ज्ञान को सुनते रहना और गुरु को याद करते रहना। तो आपके द्वारा कोई धर्म पुत्र, भक्ति पुत्र, ज्ञान पुत्र इधर खड़े हो और कोई महान पुत्र का जन्म हो। वास्तव में मां जो मन में सोचती है उसके गर्भ के अंदर उसी तरह से महान आत्मा आती है। आशीर्वाद। बस 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 उतर जा, अभी कोई यहां चरण छूने ना आना, कोई दान करने भी मत आना। ये मंडप में खंभों में दान के डिब्बे बंधे हुए, जो जहां है यदि आपकी श्रद्धा है दान देने की तो आप वहीं डब्बे में अर्पित कर दीजिए। यहां आने से सत्संग में डिस्टर्ब ज्यादा, सत्संग समापन के बाद फिर खूब दान कर लेना जितना करना होगा। अभी बंद। और एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः, एकस चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रशः। मैं लगता है मैं जो सुनाता हूं लोग सुनते नहीं। यहां कोई ऊपर मत आना, ऊपर मत आना, सब मान जाना मान जाना। लोग मजेदार हैं। मंगल भवन या मंगल हारी द्रव हो सुदशरथ अज बिहारी, मंगल भवन या मंगल हारी द्रव हो सुदश मुख्य अतिथि पूर्व विधायक पूर्व सभापति बिहार सरकार श्री यदुवंश प्रसाद यादव जी पिपरा विधान सभा से आए हुए हैं। एक बार खड़े होकर प्रणाम करें और सब लोग ताली बजाकर उनका सम्मान करें। मंगल भवन मंगल से श्रोताए हैं, हरियाणा सोनीपत से श्रोताए खड़े हो जाइए। विक्रम सिंह साह और उनकी पत्नी दोनों खड़े हो जाओ। हरियाणा से आए हैं, एक रात की पधरौनी दिया था सोनीपत में। देखिए ये सत्संग केवल प्रादेशिक नहीं रह गया है, ये पूरा राष्ट्रीय सत्संग हो गया, इंटरनेशनल। बहुत कभी विदेश के भी श्रोता यहां आकर बैठेंगे आपके बिहार में, विदेश के लोग आने वाले हैं। हमसे बोल चुके हैं अमेरिका के, कनाडा के, कि मुझे आना है बिहार में आपके सत्संग। धन्य है बिहार की धरती जहां विभिन्न प्रदेशों से आकर के श्रोता आनंद ले रहे हैं। धन्य है अजान की धरा ये हरदी क्षेत्र जहां पर 10 से 15 हजार तक नर नारी सत्संग का रसपान कर रहे हैं। धन्य है आप लोग। मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों की इच्छा है कि बाबा जी बिहार में बार बार आए। जिनकी ऐसी इच्छा है थोड़ा मुस्कुराकर हाथ ऊपर उठाएं। सबकी इच्छा है, जोरदार ताली बजाओ ऊपर ऊपर। वाह वाह, ऐसे ताली बजती लगते चना भूंज रहे हैं।
बहुत आनंद आता है। धन्य हो धन्य हो, घर घर में सुख शांति हो, महान हो आप, भाग्यवान हो आप। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव हो सुदशरथ अचिर बिहारी, द्रव हो सुदशरथ अचिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, सो तुम जान मंगल भवन मंगल जय हो। बहुत आनंद आ रहा। धीरज धर्म मित्र धीरज मित्र और नारी और धर्म, चार की परीक्षा आपत्ति में होती है। जिसमें लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, राम अपनी गोद में लक्ष्मण को लेकर के दुखी हो रहे थे। अयोध्या वापस लौट कर जाऊंगा तो क्या कहेंगे अवधवासी कि अपने भाई को खो कर आए। एक नारी के लिए भाई को खोया है। राम दुखी थे। उसी समय हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर आते हैं। सुषेण वैद्य पूछते हैं, हे राम, मैं रावण का कर्मचारी हूं, रावण का वैद्य हूं, लंका का वैद्य हूं, तो जिसका नमक खाया हो, जिसका वेतन लिया हूं, उसके दुश्मन का इलाज करूं, ये तो नमक हरामी हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, मैं लक्ष्मण का इलाज कैसे करूं? आप भगवान हो, बोलो, आदेश करो, क्या है, अधर्म करूं? तो राम ने जो उत्तर दिया, लक्ष्मण बेहोश पड़े राम की गोद में, सुषेण वैद्य ने ऐसा प्रश्न रख दिया, धर्म संकट आ गया सामने कि अब क्या करूं। तो राम कहते हैं, अरे सुषेण वैद्य, ये लक्ष्मण मेरा भाई है, अगर धर्म की बात है तो हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है, हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, कुर्बान धर्म पर है। सुनना ये पंक्तियां, ध्यान देना, पुत्री का धर्म, पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, ड्राइवर का धर्म, नौकर का धर्म, मालिक का धर्म, साधु का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, दुकानदार का धर्म, ग्राहक का धर्म, सबके साथ में धर्म जुड़ा हुआ है। जब धर्म को निभाने के लिए हर चीज कुर्बान है तो धर्म को कुर्बान मत करना, धर्म की रक्षा करना।
जब किसी बेटी को दुनिया का आकर्षण सताने लग जाए तो अपने पुत्री धर्म को देखना, तुम्हारा धर्म क्या बनता है, पिता के प्रति क्या धर्म है, माँ के प्रति क्या धर्म है, उनको टेंशन देना, दुख देना, अपमान देना नहीं, पुत्री का धर्म है माँ बाप के सम्मान की रक्षा करना, माँ बाप के गौरव को ऊंचा उठाना, पुत्र का धर्म है अपने माँ बाप को सुख सुविधा देना। तो अपने धर्म को याद करो, धर्म के लिए जिंदगी कुर्बान करो और धर्म को कभी मत छोड़ो। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, जी जान धर्म पर। अवसर अगर मिला तो हरीशदास सीधे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, सुस्त मत हो, आपको बहुत दान मिलेगा, चिंता क्यों करते। ये कुंभ मेला के प्रभारी है, दान प्रभारी है, उज्जैन में आश्रम बन रहा उसके दान प्रभारी है, ये सुस्त बैठे हैं। हमने कहा सुस्त क्यों, मस्त रहो, ये बिहार की धरती भक्तों की धरती है, धर्म की धरती है, दानियों की धरती है, यहाँ पर कोई काम अधूरा रहता ही नहीं है। बिहार में आ गए तो समझ लो बिहार में सब कुछ उपहार में मिल जाता है, उपहार में मिल जाता है। अभी मेरे जीवन में इस साल मैं देख रहा हूं बिहार प्रदेश मेरे लिए सभी प्रदेशों से नंबर एक पर दानी प्रदेश है, इस साल नंबर एक पर आया है। अभी तक ये नंबर दो नंबर तीन पर था, लेकिन 2021 में नंबर एक पर आ गया। तुम एक नंबर पर हो, श्रोताओं की भीड़ में भी नंबर एक आपका है, और दान में नंबर एक आपका है, प्रेम में नंबर एक आपका है, पर दूसरे प्रदेश वाले कहीं नाराज ना हो जाए कि वहां जाकर नंबर एक क्यों दिया। तो दूसरे प्रदेश वालों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम भी श्रद्धा बढ़ाओ, नंबर एक पर आओ तो क्या फर्क पड़ता है। बोलो धनेश्वर मुखिया, हंस दे जोर से। हर चीज इस जगत की कुर्बान धर्म पर है, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर, धन मकान संपदा जी जान धर्म पर है। हमारे एक भक्त है हीरालाल साहू, बेगूसराय में पहली बार उनको मैंने देखा, इसी साल प्रोग्राम किया, तो कह रहे थे मकान अभी बनाया नहीं है लेकिन बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, एक साइड में आपका भी रहना चाहिए, दूसरे साइड हमारा रहना चाहिए, खिड़की खोलूं तो तुम्हारा दर्शन हो जाए, ऐसा बनाऊंगा।